सो हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज आप लोग के लिए बहुत अच्छा लेक्चर्स होने वाला है, क्योंकि बहुत काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी इसकी मैथ्स और इंग्लिश को लेकर के, कि भैया मैथ्स और इंग्लिश के भी सेम टॉपिक का जो है वो भी लेकर के आओ। जैसे हम लोगों ने किसका लेकर के आया, रीजनिंग का, और कंप्यूटर का कम्प्लीट हो चुका है, रीजनिंग का भी बाकी है। तो रीजनिंग का लेक्चर ही आने वाला था, लेकिन कल भी मैंने लाइव सेशन लिया तो उस पर भी मैथ्स 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 और इंग्लिश भरे पड़े थे। अभी भी कमेंट देखोगे तो मैथ्स और मैथ्स, तो मैंने सोचा कि चलो मैथ्स पे ही अभी ले लेते हैं। लेकिन मैथ्स का एक पार्ट नहीं है आएगा, ये दो तीन पार्ट में कंप्लीट होगा, क्योंकि मैथ्स के बहुत सारे टॉपिक्स है इसमें, मैंने कोशिश किया है। और हाँ, अगर ये पूरा पूरा देखते हो तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, जैसा कि अर्थमेटिक का भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस रखे हैं इसमें, फिर आपका सेट थ्योरी का भी है, प्रोबैब का भी है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का भी है। तो सभी चैप्टर्स का मैंने इसमें रखने की कोशिश की, और जो चैप्टर छूट गया, जैसे कोऑर्डिनेट छूट चुका है, ट्रिगो का शायद एक दो क्वेश्चन ही रखा, तो जो चैप्टर छूट गया मैं नेक्स्ट में सारे टॉपिक को मैं कवर करूँगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो है वो सारे टॉपिक्स पे आएगी। और दो दो लेक्चर आने के बाद क्या मैं करने वाला हूँ कि एक एक पर्टिकुलर चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा। तो ये थोड़ा सा सीरीज आने वाला है 10 दिनों तक, ये पूरा देखना, कंटिन्यूअस देखना। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और फिर इससे पूरा देखना ही देखना। और अगर अभी तक आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो जाओ जाकर के मॉक टेस्ट दो, www.mcagyan.in पे है मॉक टेस्ट, जाकर के वहाँ से दे सकते हो मॉक टेस्ट, कहीं का भी दो, लेकिन मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो हम लोग ज़्यादा देरी नहीं करते हैं और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो देखो, इसमें एलजेब्रा के क्वेश्चंस भी है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चंस है। मैंने बेसिक से स्टार्ट किया, तो ये कमेंट में भर मत देना कि इतना बेसिक कौन करवाता है, ये आलतू फालतू चीज़ें मत लिखना भैया। मैं सोच समझ के डाल रहा हूँ क्वेश्चंस, और धीरे धीरे अपग्रेड भी होगा लेवल पार्ट टू पार्ट थ्री में। तो अभी स्टार्ट करते हैं इससे, और यही बेसिक, यही वाला बेसिक जो एग्जाम में छूटता है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो बच्चों से मैं बात करता हूँ कि बेसिक वाले छोड़ के चले जाते हैं और फिर बाद में वहाँ पे रिग्रेट करते हैं, प्रैक्टिस करते ही नहीं है। तो इन सब जो मैं अभी करवा रहा हूँ हाईलाइटेड है, ये याद रहेगा आपको, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन है, तो देखो ये एलजेब्रा का क्वेश्चन है। क्या करो, वीडियो को पॉज करो, खुद से पहले कोशिश करो करने की। देखो मैं यहाँ पे जितनी क्वेश्चंस करवाऊंगा ना, वो प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, ठीक है, वो प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको बहुत काम आएगा, एक तरीके से याद हो जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है, पॉज करो वीडियो को, खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, ठीक है। जब तक मैं इसका दे देता हूँ, ये ऑप्शन दे देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए है 3, बी है आपका 2, और फिर सी है आपका 6 है, और फिर डी है आपका 8, ये आपका ऑप्शन है। तो देखो और फिर करो, मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, वीडियो को पॉज करके देख लेना। और तो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। तो चलो क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते, क्या करते, ये हमारा मान लो कि ये अंडर रूट है 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आप पूरे को x मान लो, ठीक है, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको हम लोग x मान लेते हैं, मेरा इसको हम लोग पूरे को क्या मान लेते हैं, x मान लिए, ठीक है, x मान लिए। तो x हो जाएगा क्या, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस प्लस प्लस, ठीक है, इसे हम लोग को पूरे को x मान लेते हैं। अब क्या करो, अब ये स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायर कर दो बोथ साइड, बोथ साइड स्क्वायर हो गया। स्क्वायर करने के बाद कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर इधर हो जाएगा, इधर से ये रूट जो है वो हट जाएगा, तो एक रूट हटेगा तो कितना बचेगा, 6, फिर अंडर रूट, फिर वही कहानी सेम, 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। हमने क्या किया, हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो इधर जब स्क्वायर करोगे और जब पूरे पे यहाँ पे स्क्वायर करोगे, यहाँ पे जब पूरे पे स्क्वायर करोगे तो ये और एक रूट जो है वो कट जाएगा, तो ये हमारा यहाँ पे सॉल्व होकर के आएगा, ठीक है। तो ये आएगा, अब क्या है, एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू 6, और प्लस ये देखो ये हमारा एज इट इज एक्स हो रहा है, ठीक है, हम लोगों ने जिसे एक्स माने थे एज इट इज एक्स हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स लिख देंगे, तो यहाँ पे हम लोग एक्स लिख देंगे एज इट इज। अब क्या हो गया, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व कर लेना मिडिल टर्म स्प्लिट करके, या फिर मिडिल टर्म ही स्प्लिट करके कर लो इसे सॉल्व। तो कैसे करोगे सॉल्व इसे, तो हम लोग कैसे करते हैं इसे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आना चाहिए ना, ऐसा टर्म लिखना चाहिए जो
ये 1 आ जाए और फिर 6, 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 6, और फिर 6 आना चाहिए तो 3 इंटू 2 कर देंगे 6 आ जाएगा, और फिर 3 माइनस 3 प्लस 2 कर देंगे तो भी यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, क्या आना चाहिए, इन दोनों का इंटू करके 6 आना चाहिए, और जो नंबर से इंटू करोगे उसी को मिडिल टर्म स्प्लिट तो आता है ना आपको, बीच वाले टर्म में x की वैल्यू निकालना है, यहाँ से सिंपल से x की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो 3x प्लस 2x, ठीक है, यही किया हम लोगों ने यहाँ पे 3x प्लस 2x में बीच मिडिल को बीच में तोड़ दिए। ठीक है, किस तरीके से 3x, देखो वही आएगा, इसे जब सॉल्व करोगे तो ये सेम उसी तरीके से वही नंबर वापस से आ जाएगा। ठीक है, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो फिर एक्स स्क्वायर ये हो गया, डायरेक्ट हम लोग अब x को कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 3 प्लस यहाँ से 2 को कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 3 इज इक्वल टू, ये बच्चा वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने पढ़ा रखा है ऐसे भी, x माइनस 3 और फिर हो जाएगा x प्लस 2। तो एक हमारा x का वैल्यू आ जाएगा 3 और एक x का वैल्यू आ जाएगा माइनस 2। तो x माइनस 2 एक्सेप्ट नहीं करने वाला है, x कैन नॉट बी नेगेटिव, तो हमारा पॉजिटिव ही होगा। तो x का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 3, x का वैल्यू हो जाएगा 3। तो हमारा जो ऑप्शन है क्या है, ऑप्शन में ऑप्शन हो जाएगा, इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो 3 हो जाएगी। ठीक है, आया समझ में, क्या क्या कुछ नहीं किया, पहले इसको x का इक्वल मान लिया, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, और ये टर्म जो है एज इट इज x आ जाएगा, फिर बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का खेल है, सिंपल सी चीज़ है। तो चलो अब दूसरे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये लिखना पड़ेगा दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, ये भी एलजेब्रा का ही क्वेश्चन है। तो 2a² प्लस, सॉरी प्लस नहीं है, माइनस है, माइनस 3b² बाई a² प्लस b² का वैल्यू दिया है 2/41। ठीक है, देन रेशियो में हमें निकालना है क्या है, a रेशियो b का वैल्यू निकालना है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलो इसको दे देते हैं ऑप्शन भी। ऑप्शन नंबर ए है 5:4, बी है आपका 25:16, सी है आपका 16:25, और डी है इसका 4:5। ठीक है, करो वीडियो को पॉज करो फिर देखो। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, ये आपका क्वेश्चन हो गया, करो वीडियो को पॉज कर देना फिर देखना। 2a² माइनस 3b, a² प्लस b² 2/41 इसका है वैल्यू दिया हुआ है। तो हमारा a रेशियो b क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में, और इसीलिए मैंने रखा भी है अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में। तो चलिए हम लोग अब सॉल्व करते हैं इसे। क्या है हमारे पास, 2a² माइनस 3b² है, बाई में है a² प्लस b² है। ठीक है, इज इक्वल टू है 2/41 है। ठीक है, 41 है तो बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 41 इधर आ जाएगा 2a² माइनस 3b², और इधर हो जाएगा 2a² प्लस b². ठीक है, a² प्लस b² क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, कुछ नहीं किया हम लोगों ने, क्या किया सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब क्या करो, इनटू कर दो अंदर में जा कर के, 41 82a² हो जाएगा माइनस 13 और 4 12 123 b² 2a² प्लस b² 2b². ठीक है, ये हो गया। फिर आपका हो जाएगा 2a² को इधर कर दो तो इधर हो जाएगा 80a², 2a² को इस साइड लाएंगे तो माइनस में, तो माइनस हो जाएगा 82 में, तो 80² इक्वल टू 123 को इधर कर दो तो प्लस में हो जाएगा, तो 125b². ठीक है, तो हो जाएगा a² a² बाई b² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 125/80। ठीक है, तो किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से कटेगा 16, 25 5 जा और 16 5 जा 80, तो 25/16 आ जाएगा। तो हमारा जो है इसका आंसर a² / b² इक्वल टू 25/16। ठीक है, तो
ए बाई बी का वैल्यू होल स्क्वायर और फिर 25/16 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर स्क्वायर गया, सॉरी 25 नहीं सिर्फ 5, ए बाई बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 5/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर स्क्वायर गया तो ए बाई बी का जो वैल्यू आ जाएगा वो 5/4 है। तो रेशियो अगर हम लोग देखें तो ए रेशियो बी का जो रेशियो हो जाएगा वो 5:4 हो जाएगा, ठीक है। 5:4 है कहीं पे, यहाँ पे ये नंबर, तो ये नंबर जो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा था, क्या था ये, हमें बस सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, सिंपल सा है, मैथमेटिक्स है जो आप लोगों ने बच्चे में पढ़े थे, बस वही और कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, ए डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इन द सेकेंड थ्रो एंड मल्टीपल ऑफ 3 इन फर्स्ट थ्रो। सबसे पहले इसका है जो क्या दे देते हैं, ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन में क्या क्या है, ऑप्शन में है 1/2, बी में है आपका 1/3, सी में है 1/6 और डी में है आपका 1/9। तो ये ऑप्शन है। चलिए क्या है, ए डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इन द सेकेंड थ्रो एंड मल्टीपल ऑफ 3 इन द फर्स्ट थ्रो। क्या होगा इसका आंसर, पहले वीडियो को पॉज करो फिर खुद से ट्राई करो। दो डाइस है, पहले उसको उछालना है, थ्रो करना है। तो पहले में क्या आना चाहिए, पहले में आपका आना चाहिए ऑड नंबर, पहले में क्या आना चाहिए थ्रो मल्टीपल, हाँ पहले में आपका मल्टीपल ऑफ 3 आना चाहिए और सेकंड में जब थ्रो करोगे तो सेकंड में ऑड नंबर आना चाहिए, ठीक है। मान लो कि पहले में हम लोग पहले डाइस को उछाले, पहले डाइस को हम लोग उछाएं तो पहले डाइस में क्या आना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3 आना चाहिए, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल जो हमें चाहिए होता है, जो आना चाहिए। तो पहले डाइस में मल्टीपल ऑफ 3 आना चाहिए, तो मल्टीपल ऑफ 3 में क्या है, पहले में हमेशा 3 आएगा। फिर जो है दूसरा डाइस थ्रो किए तो दूसरा डाइस थ्रो में क्या हो जाएगा, दूसरा डाइस में हमें क्या चाहिए, दूसरे में हमें चाहिए ऑड नंबर, तो दूसरे में ये हमारा 1 हो गया ऑड नंबर। फिर पहले में क्या, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, और फिर दूसरे में क्या आना चाहिए, दूसरे में आना चाहिए आपका ऑड नंबर, मल्टीपल ऑफ 3, दूसरे में क्या आना चाहिए ऑड नंबर, ठीक है। तो ये है, ये हो गया हमारा, तो ये हो गया हमारा फेवरेबल आउटकम्स। और फिर दूसरे में क्या होना चाहिए, दो दो कंडीशन, जैसे मान लो कि एक बार में ट्राई किया तो क्या होना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ जाना चाहिए, आएगा। मान लो कि हम लोग डाइस को उछाले तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, कुछ भी आ सकता है, लेकिन हमें क्या आना चाहिए, फेवरेबल आउटकम हमारा क्या है, फर्स्ट में बोल रहा है कि मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 3 में एक 3 हो जाएगा और एक 6 हो जाएगा, ठीक है। दो ही है और कुछ तो, मतलब जो 3 से मल्टीप्लाई हो, तो 3 से मल्टीप्लाई, एक 3 है और एक 6 है, तो दूसरे में क्या होगा, दूसरे में मान लो मल्टीपल ऑफ 3 आ गया, फिर हमारा ऑड नंबर, ऑड में फर्स्ट ये सेकेंड डाई में क्या आना चाहिए, सेकेंड डाई में हमारा आना चाहिए ऑड नंबर। तो पहले में मान लो मल्टीपल ऑफ 3 आया, 3 और 6, और दूसरे में क्या आना चाहिए, दूसरे जब जब हम दूसरा डाइस थ्रो करेंगे तो आना चाहिए 1, 3 और 1, 5, ठीक है। ये ऑड नंबर है तो ऑड नंबर ही आना चाहिए दूसरे डाइस में, तो वही हम लोग ने कर रहे, पहले में 3, 3, 3 आ गया, दूसरे में अब 6 आएगा, मल्टीपल ऑफ 3 6 ही है, तो 6, 3 और फिर 6 और यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है। तो टोटल फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 फेवरेबल आउटकम हो गया। और टोटल आउटकम कितने होते हैं, टोटल आउटकम होंगे, टोटल आउटकम एक बार में 6 पॉसिबल चांसेस है आने का, दूसरे में भी 6 आने का, टोटल कितने हो जाएंगे, 36। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, पी इवेंट बोलते हैं जिसे, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, तो टोटल फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, ठीक है, टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 6, टोटल में कितने हैं, 36, इक्वल टू 1/6, तो 1/6 कौन सा है, सी है, समझ में आया। क्या बोला है, हम डाइस थ्रो कर रहे हैं,
दो बार डाइस थ्रो कर रहे हैं, जिसमें पहला बार मल्टीपल ऑफ थ्री आना चाहिए, मतलब थ्री ऐसा नंबर आना चाहिए जो थ्री से मल्टीप्लाई हो जाए, तो वो दो ही नंबर हो सकता है, थ्री और सिक्स। तो हम लोग ने क्या किया, थ्री और सिक्स तो दो बार कर लिए, पहले डाइस में थ्री थ्री, दूसरे डाइस में सिक्स सिक्स, ये हो गया। और फिर जब दूसरा डाइस थ्रो करेंगे तो उसमें क्या होना चाहिए, ऑड नंबर आना चाहिए, तो ऑड नंबर वन थ्री फाइव, और यही तीन ऑड नंबर है, तो आ गया। तो फेवरेबल मतलब कितने हो गए टोटल, सिक्स, सिक्स पॉसिबल चांसेस हैं वो, और टोटल चांसेस में तो वन बाई सिक्स चांसेस जो है वो आपके प्रोबेबिलिटी है कि फर्स्ट में ऑड नंबर आए, वन बाई सिक्स चांसेस है कि फर्स्ट में जो है आपका मल्टीपल ऑफ थ्री आए और सेकेंड में जो है वो क्या है, ऑड नंबर आए। ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब हमारा क्या है, ए पी का क्वेश्चन है, ए पी ए पी जी पी का क्वेश्चन, ए पी का भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं एग्ज़ाम में। तो हमसे पूछा गया टेंथ टर्म ऑफ द एपी 1593 है, तो मान लो कि ये पहला टर्म है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, हमारा दसवां टर्म क्या होगा, टेंथ टर्म क्या होगा वो पूछा जा रहा है, वो बताओ। तो इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, ए में है 36, बी में है 33, सी में है 37 और डी में है 41। तो बताओ, वीडियो को पॉज करो और फिर देखो, ठीक है, पॉज करके देखना। तो चलो हम लोग टेंथ टर्म निकालते हैं ना, क्या है द टेंथ टर्म इस ऑफ एपी। तो मान लो कि इसका फर्स्ट टर्म कैसे, फर्स्ट टर्म क्या हो गया, फर्स्ट टर्म पहले देखो, फर्स्ट टर्म हमारा हो गया वन, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, मतलब कि ये हमारा ए वन है, ये ए टू है, ये ए थ्री है, ये ए फोर है, तो ए टू माइनस ए वन हम लोग निकालते हैं कॉमन डिफरेंस, तो फाइव माइनस वन इक्वल टू फोर, फोर हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। ए एंड एंथ टर्म का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बेसिस पे है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ए एंड एन टर्म कैसे निकालते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला है, ठीक है। एन टर्म कोई भी टर्म फाइंड करने बोलेगा तो ये फार्मूला लगा देना, आपका काम हो जाएगा, ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। अब क्या बोला कि हमें टेंथ टर्म निकालना है, तो ए टेन हो जाएगा, तो ए कितना है हमारा फर्स्ट टर्म, ये हो गया फर्स्ट टर्म, ए ए कितना है, ए है हमारा वन है। फिर आपका एन माइनस वन, एन कितना निकालना है, टेन माइनस वन, कॉमन डिफरेंस क्या है फोर, डी जो है हमारा कॉमन डिफरेंस, ये हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, और ये हमारा जो है वो nth n टर्म जो निकालना है, ठीक है। बस अब इसे सॉल्व कर दो, 10 माइनस वन फोर इक्वल टू 9 इंटू फोर कितना हो जाएगा 36, तो ए टेन का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 36, ठीक है। ए टेन ऐसे ऐसे करके जाएगा और यहाँ पे जो ए फोर ए टेन होगा, ए टेन हमारा 36 होगा, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ए सेवन की वैल्यू निकाल सकते हैं, ए सिक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ पे टेन बोला गया ना, यहाँ पे नाइन भी बोल सकता था, सेवन भी, सिक्स भी, कुछ भी बोल सकता था, तो बस इस फॉर्मूला पे पुट करना था, ए सिक्स हो जाएगा और फिर ए कितना है वन है, सिक्स माइनस वन और कॉमन डिफरेंस है फोर, तो फाइव इंटू फोर 20, इसका जो है 20 नंबर हो जाएगा, ए सेवन, सेवंथवा नंबर जो है वो 20 हो जाएगा, सेवन्थ नंबर निकाले ना, सिक्स नंबर निकाले, तो सिक्सवा टर्म जो हो जाएगा 20 हो जाएगा। बस इसी तरीके से ये फार्मूला लगाना, आपका काम बनते चला जाएगा, इजी है, बहुत इजी है, कुछ वो नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ये एवरेज का क्वेश्चन है और अर्थमेटिक का, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछा जाता है बहुत, तो पेन चेंज करते हैं। इसमें क्या है, द एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड सी इज 60 kg, इफ़ द एवरेज वेट ऑफ बी एंड सी इज 50 kg एंड दैट ऑफ ए एंड बी इज 52 kg, देन वाट इज़ द वेट ऑफ वी बी। मतलब तीन, पहले इसका ले लेते हैं, ये ऑप्शन ए का है 26 kg हो जाएगा और बी ऑप्शन में हो जाएगा कितना है 24 kg, सी ऑप्शन में हो जाएगा 30 kg और डी ऑप्शन में हो जाएगा 32 kg, ठीक है, ये 32 kg, तो ये रहा। तो बताओ, मान लो तीन बंदे हैं, ठीक है, तीन बंदे हैं, उसका एवरेज वेट जो है वो 60 kg है, एवरेज वेट मान लो कि ए बी सी, एवरेज वेट है इसका 60 kg, एवरेज मतलब कि मान लो इसका 40 है, 50 है, इसका इसका 55 है, तीनों को मिलाकर के एक एवरेज वेट है वो 60 kg है, और दिया गया है क्या, बी और सी का एवरेज वेट कितना है 50 kg और हमारा ए एंड बी का वेट कितना है 52 kg। तो अब पूछ रहा है सिर्फ इंडिविजुअल वी का, बी का, बी मतलब जो दूसरा आदमी है, बी, बी का वेट कितना होगा, बी का वेट कितना होगा, बस वो पूछा जा रहा है। तो करो, कैसे करोगे, ठीक है, करो।
करो इसको, पॉज करो और फिर करने की कोशिश करो। क्वेश्चन पढ़ लिए होगे? तो ये तीन आदमी का वेट है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, टोटल वेट पहले निकाल लेंगे। टोटल वेट कितना है, 60। टोटल वेट हो जाएगा तीनों इंसान का, तो तीनों से इंटू कर देंगे तो 180 हो जाएगा, 180 केजी टोटल वेट ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, उसी तरीके से टोटल वेट वेट ऑफ बी एंड सी का वेट निकाल लेंगे, कितना है, 50 इंटू 2 कर देंगे तो 100 केजी निकल जाएगा बी और सी का वेट। और उसी तरीके से वेट ऑफ ए एंड बी का वेट कर लेंगे, तो ए एंड बी का कितना है, 52 केजी है, 52 इंटू 2 तो हो जाएगा 104 केजी। ठीक है, ये हो गया टोटल वेट। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, एवरेज वेट ऑफ बी पूछा गया ना, एवरेज वेट ऑफ बी तो कैसे निकल जाएगा, वेट ऑफ बी एंड सी प्लस वेट ऑफ ए एंड बी, माइनस कर देंगे टोटल वेट को माइनस कर देंगे तो एवरेज का बी का निकल कर क्या जाएगा, क्यों देखो टोटल में से घटा दिए, ठीक है, इन दोनों को जोड़ दिए और टोटल घटा दिए, तो बी का जो वेट है वो निकल करके आ जाएगा, तो क्या है, 100 प्लस 104 माइनस 180, ठीक है, कितना आ जाएगा, 200 माइनस 180, तो इसको जब माइनस करेंगे तो 24 केजी आ जाएगा। तो बी का एवरेज वेट, बी का जो एवरेज है, बी का क्या पूछा गया था, बी देन व्हाट इज़ द वेट ऑफ बी, तो बी का वेट हो जाएगा 24 केजी बी का वेट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। इसी तरीके से हम लोगों ने क्या किया, टोटल वेट निकाल लिया, टोटल वेट ऑफ इसका भी निकाल दिया, बी एंड सी का भी, और ए एंड बी का भी टोटल वेट निकाल दिया, फिर दोनों को प्लस करके टोटल वेट से माइनस कर दिया, तो बी का वेट जो है वो निकल करके आ गया हमारा। अब हमारा है फिर एपी का क्वेश्चन है एक, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी 3, 7, 10। उसमें क्या था, टर्म को फाइंड करना था कि ए 10 क्या होगा, इसमें टर्म को फाइंड नहीं करना है, इसमें क्या है, इसमें दिया गया है टर्म, ठीक है, इसमें टोटल टर्म कितने होंगे, जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, इसी तरीके से ये ए एन टर्म है, तो टोटल टर्म हमें बताना है कि ए एन ये कितने टर्म है इसके बीच में, एन की मतलब कि एन की वैल्यू बतानी है, बस वहाँ पर एन फाइंड करना था, यहाँ पर एन की वैल्यू बतानी है। तो ऑप्शन ले लो, ऑप्शन ए में आ जाएगा 100, बी में आ जाएगा आपका 101, और फिर सी में आ जाएगा 99, और फिर डी में आ जाएगा 102, ठीक है, 102। तो ये है हमारा टर्म निकालना है, तो इसका भी फार्मूला था, क्या था, ए एन हमारे पास दिया गया है, ए एन क्या हो जाएगा, क्योंकि ये लास्ट है ना, तो ए एन हमारे पास दिया है 407, और फिर आपका डी कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा ए टू माइनस ए वन, 7 - 3 इज इक्वल टू 4, कॉमन डिफरेंस भी आ गया हमारे पास। अब ए एन का फार्मूला क्या होता है, ए एन का फार्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, हमें ये एन की वैल्यू निकालनी है, तो ए एन लास्ट टर्म हमें हमारे पास है 407 प्लस ए की वैल्यू कितनी है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है, ये था। अब कैसे करोगे, ये तीन को इधर भेज दो, 407 - 3, 4 को भी नीचे ले आओ, एन माइनस 1, ये आ गया, आया समझ में, तो 404 प्लस 4 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इधर कर दो, इसको सॉल्व कर दो, फिर 404 बाई 101 बाई 101 ही आ जाएगा ना, एन माइनस 1, तो एन की जो वैल्यू हो जाएगी वो 102 हो जाएगी। ठीक है, आई समझ में, 102 कैसे आई, देखो ये 4 से काट दिए, 101
एन माइनस वन, वन को इधर कर दिए तो 102। सिंपल सा था, बस ए एन का फार्मूला ही पता था, इसका एक ए एन का फार्मूला हमारे पास पता था और ए एन की वैल्यू हम लोगों ने ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये कितना कितने टर्म है वो सो होता है, तो ये हमारे पास टर्म कितने हैं वो पता चल गया, 102 टर्म होंगे इसके बीच में, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, इस तरीके से 102 टोटल टर्म होंगे। ठीक है, कितने टर्म होंगे, 102 टोटल टर्म होंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है हमारे पास। ए बैग इज कंटेन्स 5 ब्लैक बॉल, 3 व्हाइट बॉल एंड 2 रेड बॉल, 3 बॉल्स आर ड्रॉन इन सक्सेशन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट बॉल इज रेड, द सेकेंड बॉल इज ब्लैक एंड द थर्ड बॉल इज व्हाइट। तो पहले ऑप्शन ले लो, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। 1/24, बी का हो जाएगा आपका 3/10, सी का आपका हो जाएगा 1/10 और डी का आपका हो जाएगा 1/2। ठीक है, पॉज करो वीडियो को, पढ़ो एक बार, फिर अपने से कोशिश करो। ए बैग, ठीक है, एक बैग है, मान लो कि ये बैग है, ये हमारा बैग है, इसमें 5 ब्लैक बॉल है और 3 वाइट बॉल है और 2 जो है वो रेड बॉल है। ठीक है, तो हमने इस बैग में है बॉल, टोटल बॉल कितने हो गए, टोटल बॉल जो हो गए आपके हो गए 5 × 3 = 8 = 2 = 10, 10 बॉल हो गए टोटल, 10 में से हमें 3 बॉल हमने निकाल लिया। ठीक है, 3 बॉल निकाला, 3 बॉल जब निकाला तो वो पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी जो पहला बॉल है वो रेड निकले, तो 10 में से पहला बॉल रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी, रेड का बॉल कितना है, रेड बॉल है 2, तो 2 बाई मान लो कि पी इवेंट ये हो गया, तो पहला बॉल रेड निकले। ठीक है, कितने में से, 10 में से, टोटल बॉल 10 है, 10 में से पहला बॉल रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी 2/10 इंटू, अब तो पहला हम लोगों ने एक बॉल निकाल लिया तो अब बचा हमारे पास 9 बॉल ही, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, फिर द सेकेंड बॉल इज ब्लैक, दूसरा बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दूसरा बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी मतलब दूसरे बॉल कौन सा निकलना चाहिए, ब्लैक, ब्लैक निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो ब्लैक बॉल कितने हैं टोटल, 5 है, तो 5 में से अब कितने बचे हैं यहाँ पे, क्योंकि एक हमने रेड निकल चुका है, पहले ही से निकल चुका है, तो हमारे पास अब यहाँ पे 9 ही बचा। ठीक है, उसी तरीके से लास्ट में क्या बोला, थर्ड बॉल इज वाइट, तो वाइट कितने हैं, वाइट है 3 बॉल टोटल वाइट है और वाइट में से एक रेड निकल चुका है और एक ब्लैक निकल चुका है, अब इस बैग में टोटल कितने बचे हैं, अब इस बैग में टोटल 8 बचे हैं, तो 3 में से 8 में से 3 मतलब 8 बॉल बचे हुए हैं और 3/8 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, क्यों, क्योंकि 3 बॉल वाइट है और टोटल 8 ही बचे हुए हैं, क्योंकि 2 पहले से निकल चुके हैं, एक रेड और एक हमारा ब्लैक निकल गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है, इसको इंटू कर दो आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसका कितना आ जाएगा करोगे तो 124 इसका आंसर है। सिंपल सा था, एक बैग है, बैग में कितने बॉल है, एक 5 ब्लैक बॉल है, 3 वाइट बॉल है, 2 रेड बॉल है, टोटल बॉल कितने हो गए 10, तो वो बोला है कि पहला बॉल रेड निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 10 टोटल बॉल 10 है, 10 में से हमारा रेड निकलना है, तो रेड कितने थे 2, तो 2/10 हो गया, अब एक बॉल निकल गया तो टोटल बॉल कितने बचे, टोटल बॉल बचे हमारे पास 9, अब दूसरे में बोल रहा है कि ब्लैक निकलेगा, तो ब्लैक टोटल कितने हैं 5, अब बॉल टोटल बॉल कितने बचे हुए हैं, टोटल बॉल 9 बचे हुए हैं, तो 5 में से 9 में से 5/9 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, तो इसे कर दो, ये सिंपल सी चीज़ थी आ गई आपके पास। चलिए अब आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा पक्का, मतलब ये सेम क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन बहुत चांसेस हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो छोड़ना मत इस टाइप के क्वेश्चन को, ऑप्शन दे देते हैं पहले, इसमें ऑप्शन क्या है, पहला है आपका 10 किलोमीटर, ठीक है, बी में है आपका 15 किलोमीटर, फिर सी में है आपका 20 किलोमीटर, डी में है आपका 25 किलोमीटर। ठीक है, 25 किलोमीटर, तो पॉज करो और फिर देखो, क्या है, ए मैन वॉक्स 2 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड देन ही टर्न्स टू साउथ एंड वॉक्स 6 किलोमीटर, अगेन ही टर्न टू ईस्ट एंड वॉक 4 किलोमीटर, आफ्टर दिस ही टर्न टू नॉर्थ एंड वॉक 14 किलोमीटर, हाउ फार इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये क्वेश्चन है, करो इसे और
अभी तक आपने अगर एमसी ज्ञान का मॉक टेस्ट नहीं लिया तो जाकर के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है www.mcgyan.in पे जाओ और मॉक टेस्ट लो, और दो अभी मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, इस टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं हमारा। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं क्या है, ये हो जाएगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, ये हमारा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है, डायरेक्शन हमने रीजनिंग में भी बता रखा है तो वो आएंगे ही आएंगे। पहला क्या बोला है, पहला बोला है ए मैन वॉक्स टू किलोमीटर टुवार्ड्स ईस्ट। मान लो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है ए पॉइंट से, और पहला ईस्ट की तरफ गया, ईस्ट की तरफ कितना गया, ईस्ट की तरफ गया 2 किलोमीटर। ठीक है, अब पढ़ो आगे, देन ही टर्न्स टू साउथ। टर्न्स टू साउथ मतलब कि नीचे, साउथ कहाँ है हमारा, हमारा नीचे साउथ है, तो अब जो है साउथ की तरफ मुड़ा, और कितना चला साउथ की तरफ मुड़ते ही, 6 किलोमीटर चला साउथ की तरफ मुड़ करके। फिर क्या बोला है, साउथ एंड वॉक 6 किलोमीटर, अगेन ही टर्न टू ईस्ट, ईस्ट की तरफ फिर से यहाँ से मुड़ा, ईस्ट की तरफ फिर से मुड़ा, और कितना चला 4 किलोमीटर चला। ठीक है, 4 किलोमीटर चला, अब तो 4 किलोमीटर चला, अब क्या बोला है, आफ्टर दिस ही टर्न टू नॉर्थ, नॉर्थ किधर है, ऊपर है, तो नॉर्थ है ऊपर, कितना चला 14 किलोमीटर चला ये नॉर्थ की ओर, नॉर्थ की ओर 14 किलोमीटर चला। ठीक है, तो ये 6 है, ये कितना हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, 4 किलोमीटर हो जाएगा, ये 6 है तो ये भी 6 किलोमीटर हो जाएगा, और ये टोटल कितना है, यहाँ पे टोटल है 14। ठीक है, 14 किलोमीटर, जब ये है 6 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर, यहाँ तक मतलब ये बी पॉइंट से लेकर के सी पॉइंट तक। ठीक है, बी पॉइंट से लेकर के सी पॉइंट तक ये हो जाएगा 8। अब हमें क्या पूछा है, हाउ फार ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, मान लो कि यहाँ ए यहाँ से चल के गया था, अभी कहाँ पे रुका हुआ है, सी पे रुका हुआ है, सी पे रुका हुआ है, तो अब पूछ रहा है कि कितना दूरी पे है, तो बस यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, आपका बन जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा, तो हमारा मान लो कि एक ट्रायंगल बन गया, इन ट्रायंगल ए बी सी हमारा क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर इज प्लस ए बी स्क्वायर, तो हमारा क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर, तो फाइंड ही करना है, ए सी फाइंड करना है, बी सी कितना है 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर है ना बी सी, ये देखो बी सी 8 किलोमीटर है, तो 8 का स्क्वायर प्लस ए बी कितना है 2 किलोमीटर इधर और 4 इधर, 6 किलोमीटर, 6 हो जाएगा स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा 64 प्लस 36 क्या हो जाएगा 70, 100 ए सी स्क्वायर हो जाएगा 100, तो आपका क्या हो जाएगा रूट आ जाएगा इसमें, तो ये स्क्वायर हट जाएगा, तो 10 किलोमीटर है, हाँ ये 10 किलोमीटर है, कितनी दूरी पे है 10 किलोमीटर की दूरी पे है, मतलब 10 किलोमीटर दूर है जहाँ से चला था और लास्ट पोजीशन तक 10 किलोमीटर वो क्या है दूरी पे है। ठीक है, ये था ये क्वेश्चन, देखो रेशियो का क्वेश्चन है, ये भी शानदार क्वेश्चन है। करो इसको, इसका हम दे देते हैं आपको, ए का क्या हो जाएगा 15:16, बी में हो जाएगा आपका 5:17, और आपका सी में हो जाएगा 17:18, और फिर डी में हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 13:17। ठीक है, ये हो जाएगा, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ टू बॉयज इज 3:7, फिर आफ्टर 2 ईयर्स द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बिकेम 5:9, द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 10 ईयर्स, मतलब कि अभी जो दो बॉयज़ का रेशियो है, एज का रेशियो है, वो है क्या है 3:7 है, दो साल के बाद ये कितना रेशियो आता है 5:9, तो ये पूछा जा रहा है कि 10 साल के बाद क्या रेशियो होगा, 10 साल के बाद क्या रेशियो होगा इन दोनों बॉयज़ का। तो चलो क्वेश्चन को करते हैं, और अभी आप लोग कर लो पॉज और फिर खुद से पहले ट्राई करो। ठीक है, तो चलो करते हैं, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं, लेट द एज ऑफ फर्स्ट बॉय का एज का क्या है, मान लेते हैं 3x है। ठीक है, x हम लोग मान लिए, और पहला बॉय का जो एज है वो 3x है, उसी तरीके से लेट द एज ऑफ सेकेंड बॉय इज 7x मान लिए। ठीक है, आफ्टर 2 ईयर्स
आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 2 ईयर्स क्या हो जाएगा, 3x + 2/7x + 2। इसका एज की रेशियो कितना दिया हुआ है, 5:9, ठीक है, 5:9 दिया हुआ है। अब पहले इसको सॉल्व कर लो, तो हो जाएगा 9 3x + 2 = 5 7x + 2। एक्स की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी 27x + 18 और 35x + 10, ठीक है। तो इधर इधर कर दो, 8x = 8, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। एक्स की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1। अब क्या हमसे पूछा गया है, अब हमसे पूछा गया रेशियो, रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स, 10 ईयर्स के बाद का एज पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, 3x + 10, 10 10 प्लस कर दिए, कि इसमें क्या कि दो दो साल प्लस कर दिए, इसमें 10 10 प्लस कर देंगे, 7x + 10, ठीक है। इसका रेशियो क्या है, इसका रेशियो कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका रेशियो अभी कुछ दिया हुआ नहीं है। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 1, है ना, तो 3 + 10 और 7 + 10, तो हो जाएगा 13/17। तो 10 साल का जो रेशियो हो जाएगा वो 13/17 हो जाएगा। डी नंबर इसका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है, 13/17 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या क्या हमने, पहला बॉयज़ का जो है एज वो 3x मान लिया, दूसरा का 7x तो दिया हुआ, x मान लिया, फिर सॉल्व कर दिए 2 ईयर्स में, प्लस 2 कर दिए 2 ईयर्स के बाद, प्लस 2 10 ईयर्स के बाद, प्लस 10। इस तरीके से आप रेशियो के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। द एरिया ऑफ अ सर्कल इज न्यूमेरिकली, द एरिया ऑफ अ सर्कल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स सर्कमफेरेंस। तो एरिया ऑफ सर्कल का जो है वो इक्वल है किसके, सर्कमफेरेंस का। तो डायमीटर, बस फार्मूला आपको याद होना चाहिए, आपका काम बन जाएगा इसमें। तो एरिया ऑफ अ सर्कल का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr। दोनों क्या है, एरिया ऑफ सर्कल भी बराबर, एरिया ऑफ सर्कल और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल बराबर है, इक्वल है। तो हम लोग क्या कर देंगे, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 2πr, 2πr, r गया, फिर आपका पाई पाई गया, तो r की जो वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। डायमीटर क्या होता है, 2r होता है, डायमीटर क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, 2r होता है। r की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो हो जाएगा 2 × 2 = 4। तो डायमीटर हमारा क्या हो जाएगा, 4, डायमीटर क्या हो जाएगा, 4, बस 4 यूनिट, बस सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ करना ही नहीं था। अब आ गया परम्यूटेशन का क्वेश्चन, क्या आ गया, परम्यूटेशन का क्वेश्चन आ गया। तो परम्यूटेशन का क्वेश्चन को करो, क्या है, हाउ मेनी 5-डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 1 इफ ईच नंबर स्टार्ट विद 67 एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस। 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर हमें बनाना है, क्रिएट करना है, जिसका स्टार्टिंग जो है वो 67 से होगा और दोबारा कोई भी डिजिट रिपीट नहीं कर सकता है। तो बताओ कैसे बनेगा, 5 डिजिट का नंबर कितना बनेगा, ठीक है, कितना बनेगा। तो ऑप्शन है ए 335, हाउ मेनी 5 डिजिट, कितने 5 डिजिट के ऐसे कौन कौन से कितने नंबर बनेंगे। बी का है 336, सी में है 338 और डी में है 337, ठीक है। बताओ 5 डिजिट का बनाना है, पहले पॉज करो और फिर खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। 5 डिजिट का है ना, तो 1 2 3 4 5, 5 है। और ये क्या बोला, हमेशा जो है 67 से स्टार्ट होगा, तो दो प्लेस तो फिक्स ही हो जाएगा, दो नंबर फिक्स हो जाएगा। तो हमारे पास कितने हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो दो हमेशा फिक्स हो जाएंगे, 6 और 7, इसे हम लोग लेना नहीं है, इसे फिक्स है, ये हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट से है। और यहाँ पे क्या है, नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, एक बार के बाद दोबारा नहीं आना चाहिए। तो ये दोनों को हटा दो, 0 से 9 के बीच में नंबर में ये दोनों को हटा दो। अब कितना बचा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बचा। तो यहाँ पे कितने तरीके से, 8 तरीके से भर सकते हैं। यहाँ पे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे 7, यहाँ पे कितने हो जाएंगे 6, तो 8 × 7 × 6, तो कर लो क्या हो जाएगा, 8 7 56 + 6, तो 36, और फिर ये 35, 336, ये हो जाएगा इसका आंसर, सिंपल।
क्या क्या मैंने 5 डिजिट का नंबर बोला, जिसमें 2 तो फिक्स ही रहेंगे, उसको छेड़ना ही नहीं है, 2 मतलब कि आपको हमेशा वही रहेंगे, 2 नंबर फिक्स रहेंगे, तो हमें 3 बॉक्स को फिल करना है, तो 3 बॉक्स को फिल करने का बस यही तरीका है, सिंपल, ठीक है। चलिए इसमें क्या है, अरेंजमेंट, ये क्वेश्चंस आएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं और आता भी है, ठीक है। पहले में क्या है हमारा, पहले में महाभारत है, इसको अरेंजमेंट करना है, कितने तरीके से, कितने मतलब फॉर्म हो सकते हैं, ये वर्ड है कितने डिजिट है और कितने स्टेटमेंट मतलब कितने वर्ड टोटल वर्ड जो है वो फॉर्म हो सकता है कितने तरीके से, ठीक है। इसको उल्टा पुल्टा करके अरेंज करना है, कितने तरीके से ये अरेंज हो सकता है, ठीक है। तो चलिए एम ए एच ए बी H A R A T PNC का अगर लेक्चर भी पढ़ना है तो YouTube पे पढ़ा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है, तो जाओ जा करके वहाँ से पढ़ लो, देख लो, और एक एक चीज़ मैंने उसमें कवर कर रखा है, तो जाओ, पर PNC का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने क्वेश्चंस भी करवा रखा है PNC का, तो जाओ जा करके वो लेक्चर ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, बस 6 फैक्टोरियल ऊपर नीचे 6 फैक्टोरियल हो गया, तो नहीं ऐसा नहीं है, 6 फैक्टोरियल के सिर्फ नहीं होगा, मान नहीं 6 ही है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं, टोटल 10 वर्ड है ना, तो 10 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं, नहीं तो जो जो रिपीट कर रहा है, कौन कौन रिपीट कर रहा है, 1 2 3 4, तो जो जो रिपीट कर रहा है उसको हम लोग को डिवाइड करना होता है, ठीक है। ये कर रहा है, और कोई वर्ड रिपीट कर रहा है क्या, एम ए एच एच कर रहा है, ठीक है, एच 2 बार आ रहा है, तो 2 फैक्टोरियल अरेंजमेंट करना है, ठीक है, अरेंजमेंट करना है, तो 10 वर्ड है, 10 लेटर है, 10 वर्ड है, तो क्या हो जाएगा, 10 वर्ड में 10 फैक्टोरियल को अलग अलग कर सकते हैं 10 डिजिट में, और फिर इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल प्लस बाई 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करके ये हमारा अरेंजमेंट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो उतने तरीके से हम इस जो है इसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसे, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा दूसरा में क्या है, दूसरा में डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएशन को, तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है, तो 15 तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अरेंज करके अलग अलग वर्ड बना सकते हैं, अलग अलग जो है इसका मतलब निकलेगा, तो 15 तरीकों से हो गया। अब जो है जो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, उसको हमको डिवाइड करना है, मतलब उसको निकालना है, डिवाइड करना है, तो एफ कितने बार हो रहा है, 1 2 2 बार हो रहा है एफ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं पहले, डी क्या रिपीट हो रहा है, डी नहीं रिपीट हो रहा है, आई क्या रिपीट हो रहा है, आई में हो जाएगा 1 और फिर 2 फिर हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, आई 3 बार रिपीट कर रहा है तो 3 फैक्टोरियल, एफ कितने बार, 1 2 2 बार तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, फिर ई 1 2 2 फैक्टोरियल, और कोई आर, आर भी रिपीट नहीं कर रहा है, एन 1 2 2, ठीक है, और क्या है, टी कर रहा है 1 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, बस इतने तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर लेना आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब चलो ये सेट का क्वेश्चन है, ए एंड बी आर 2 सेट्स, एन माइनस बी 8 + 2x है इक्वल टू एन बी माइनस ए है 6x है, एंड ये यूनियन इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी x है, एन इक्वल टू एन बी, देन ये आपको बनाना है, ठीक है, तो बनाओ बनाओ इसे, पॉज करो वीडियो को, खुद से ट्राई करो पहले। चलो हम लोग तो बनाते हैं, पहले वेन डायग्राम बना लेते हैं इसका, ये सेट हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सेट बी हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा सेट हो जाएगा ए, ये हो जाएगा हमारा बी, तो आपका क्या बोला है, n माइनस बी इज इक्वल टू क्या है 8 + 2x, तो a माइनस बी क्या है, a माइनस बी ये वाला सेट हो जाएगा, a माइनस बी ये वाला सेट हो जाएगा पूरा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस बी, और क्या बोला, b माइनस a क्या हो जाएगा, b माइनस a ये वाला सेट हो जाएगा पूरा, ये वाला सेट,
ये वाला सेट आपका बी माइनस ए हो जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का छाटा हुआ ए इंटरसेक्शन बी ये हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एन ए माइनस बी कितना दिया हुआ है हमारे पास, 8 प्लस 2 है। मैंने ये क्वेश्चन करवा रखा है, अपने लेक्चर में भी करवा रखा है। 2x एन बी माइनस ए इज इक्वल टू 6x दिया हुआ है, ठीक है। और फिर एन ए इंटरसेक्शन बी जो है वो x दिया हुआ है, ठीक है, x दिया हुआ है। तो अब क्या करना है हमें, और क्या दिया हुआ है, एन ए इज इक्वल टू एन सॉरी एन बी दिया हुआ है, देन हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना, ए यूनियन बी फाइंड करना है, ए यूनियन बी फाइंड करना है, ठीक है, ए यूनियन बी फाइंड करना है हमें। सिंपल सा चीज़ है, क्या होगा एन ए क्या होगा, ओ क्या हो जाएगा, एन ए, एन ए इज इक्वल टू एन ए माइनस बी, और फिर आपका हो जाएगा एन इंटरसेक्शन बी, मतलब हमें ए चाहिए, सिर्फ ए चाहिए। तो ए में क्या क्या घटा देंगे, ए माइनस बी को पूरा हटा देंगे, इसको हटा देंगे और फिर इंटरसेक्शन को हटा देंगे, तो हमारे पास ए ये वाला जो है ये वाला ये आ जाएगा, ठीक है। देखो क्या बोल रहे हैं हम, ओह ये हमें सिर्फ ए चाहिए, सेट ए चाहिए, तो हमें सिर्फ ये वाला चाहिए, ठीक है, ये वाला पार्ट चाहिए, हमें ये भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए। तो हमने क्या किया, ए माइनस बी और फिर ए इंटरसेक्शन बी को दोनों को हटा दिया, तो हमारे पास ए माइनस बी तो है दिया हुआ, गिवन है, तो 8 प्लस 2x हो जाएगा, और फिर इंटरसेक्शन बी क्या है, इंटरसेक्शन बी x है, तो ये क्या हो जाएगा 8 प्लस 3x, ठीक है। अब हमें उसी तरीके से एन बी, एन बी चाहिए, तो एन बी में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ हमें ये वाला चाहिए, ठीक है, ये वाला, तो इसको और इसको हटा देंगे, तो एन ए माइनस बी को हटा देंगे, सॉरी उल्टा हो गया क्या, सॉरी बी माइनस ए, बी माइनस ए हटा देंगे ना, बी चाहिए, बी माइनस ए, ठीक है, बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। क्या है यहाँ पे, 6x प्लस x है और यही है 7 है, 7x, ठीक है। तो अब जो है क्या करना है, एन ए इक्वल टू एन बी हमारे पास गिवन है, तो 8 प्लस 3x इज इक्वल टू 7x, यहाँ से x की वैल्यू निकल करके आ जाएगी, 4x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 2 निकल करके आ गई। अब क्या हमें फाइंड करना है, ए यूनियन बी हमें निकालना है ना, तो ए यूनियन बी क्या होता है, ए माइनस बी प्लस बी माइनस ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी सबका जोड़, तो क्या है 8 प्लस 2x प्लस 16x प्लस x कितना हो जाएगा, 9x प्लस 6x है, 16x नहीं, 9x प्लस 8, तो x की वैल्यू कितना है 9, तो 18 प्लस 8 क्या हो जाएगा 26, ठीक है 26 हो जाएगा। ठीक है तो चलो आगे बढ़ते हैं। इफ कॉस, ये सिंपल सा बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सिंपल सा है, तो इसे करो। क्या बोला है, कॉस ए, कॉस ए इज इक्वल टू 4/5 दिया हुआ है, तो कॉस ए क्या होता है, कॉस कॉस का जो हमारे पास मान लो कि ये ट्रायंगल है, ठीक है ट्रायंगल है, ये हो गया हमारा ए, ये हमारा हो गया बी, ये हमारा हो गया सी, ये हो गया एंगल, ये हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री को सामने वाला एच हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हमारा बेस, ठीक है। तो कॉस थीटा होता है बी बाई बेस बाई हाइपोटेनियस होता है, और टेन थीटा क्या होता है, टेन ए क्या क्या वैल्यू हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई एच, तो हमारे पास बेस तो दिया हुआ है, बेस हमारा कितना है 4 है, हाइपोटेनियस कितना है,
हाइपोटेनियस है हमारे पास 5। अब निकालना क्या है, हमें निकालना हमें परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, इधर से निकाल लेते हैं, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC क्या है, AC है H स्क्वायर इज इक्वल टू AB क्या है, AB हो जाएगा आपका B स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस है आपका 5 का स्क्वायर, बेस कितना है 4 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हो जाएगा BC स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस में हो जाएगा ना, माइनस में तो फिर प्लस ही आ जाएगा, माइनस 5 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से कर लेते हैं ना, इधर इधर चले जाते हैं, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर, ठीक है। तो हो जाएगा 25 माइनस 16 BC स्क्वायर। तो BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, BC की वैल्यू हो जाएगी BC स्क्वायर इज इक्वल टू 9, BC स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो BC की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है, BC की जो वैल्यू हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। तो BC की परपेंडिकुलर की जो वैल्यू हो जाएगी वो 3, तो परपेंडिकुलर की 3 हो गई, तो 10 ए का जो वैल्यू हो जाएगा परपेंडिकुलर 3 और बेस कित हाइपोटेनियस कितना है 3/5, इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल है, कुछ नहीं करना है, और इसको बस हम लोगों ने किया पाइथागोरस थ्योरम से, इसे हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री निकालना है। तो क्वेश्चन दे रहे हैं, अभी वेट कर लो थोड़ा सा। तो क्वेश्चन है हमारा ऑर्डर एंड डिग्री वाले हैं ना, तो पहला क्वेश्चन है आपका, ब्लैक से ही देते हैं, dy/dx इज इक्वल टू है cot x, और दूसरा क्वेश्चन है d2y/dx² ठीक है का होल क्यूब माइनस xy/dy/dx का पावर 4 प्लस y = 0। तो ऑर्डर और डिग्री होता क्या है ये पहले जान लो। तो ऑर्डर जैसे डिफ्रेंसिएशन करते हैं ना, dy/dx, फिर आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y/dx², उसी तरीके से होता है d3y/dx³, ठीक है dx³। तो जो हम लोग कितने ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर देखते हैं, ठीक है हाईएस्ट ऑर्डर, तो बोलने से हो रहा है कि हाईएस्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। तो जो यहाँ पे है ना, एक बार डेरिवेशन किए, दो बार, तीन बार डेरिवेशन किए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्डर। जैसे यहाँ पे d2y/dx² है, तो टू ऑर्डर हो गया, दो ऑर्डर का हो गया ये, फिर ये थर्ड है तो थ्री ऑर्डर डेरिवेटिव। और उसी तरीके से मान लो इसमें अब पावर लग गया, 3 लग गया, 4 लग गया, 5 लग गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिग्री। तो देखो इसमें देखो cot x है, तो cot x में डेरिवेटिव भी एक है और डिग्री में कुछ है नहीं, तो ऑर्डर भी एक हो जाएगा, डिग्री भी एक हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ देखो इसमें d2 है और d2 है सेकेंड ऑर्डर है, तो ये देखो ऑर्डर क्या हो गया, सेकेंड ऑर्डर हो गया। यहाँ पे हमेशा हाईएस्ट ऑर्डर देखा जाता है, यहाँ पे भी देखो यहाँ पे भी वन ऑर्डर का है, लेकिन हमें हाईएस्ट ऑर्डर देखना होता है। तो यहाँ पे दो बार डेरिवेशन किया गया, तो इसका ऑर्डर जो हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 2, और डिग्री क्या हो जाएगा 3, क्यूब रूट है, तो डिग्री जो हो जाएगा ये हो जाएगा 3, डिग्री हो जाएगा 3। समझ में आया, ठीक है। जितने बार हम लोग डेरिवेशन करेंगे उसको ऑर्डर, जितने बार डेरिवेशन करेंगे, दो बार, तीन बार, चार बार, तो वो ऑर्डर कहलाएगा, और उस पर अगर पावर है तो वो फिर डिग्री कहलाएगा, ठीक है। तो इस पर पावर था वो डिग्री कहलाया, ठीक है। तो मैथ्स का इतने तक रखते हैं, और मैथ्स का और लेक्चर्स आएगा और डिटेल में भी आएगा। अगर कुछ भी डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ये कमेंट में हमें कमेंट करो, और फिर कौन कौन से क्वेश्चंस और कौन से टॉपिक्स को के क्वेश्चंस और ज़्यादा मैं रखूँ इसमें, आप लोग वो भी सजेस्ट कर सकते हो, तो कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। और अगर मॉक टेस्ट नहीं लिए अभी तक, तो जाओ mcgyan.in पे चले जाओ, वहाँ पे सभी चीज़ अवेलेबल है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बस इतना प्रैक्टिस करो। थैंक यू।